दोस्तों आज है 17 जुलाई 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड एक बहुत शानदार अपडेट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ दिन पहले एक बहुत शानदार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर ने अपने शेयर होल्डर के लिए 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। मतलब आज की डेट पे शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, वो स्प्लिट होने के बाद 2 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एक डेट रखा है 21st of July 2022। यानी आपके पास दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है। आप अगर यहाँ पे 18, 19 और 20 ये 3 दिन के भीतर बाई करते हो तो डेफिनेटली आपको स्टॉक स्प्लिट मिलेगा 1:5 रेशियो में। अब बात करेंगे कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 की भाव में इसका एक शेयर आपको मिल जाएगा। लास्ट डे 1% की तेज़ी भी देखने को मिला। लास्ट एक महीने पे मार्केट इतना ज़्यादा गिरा, उसके बावजूद भी 23% का रिटर्न दिया ये शेयर ने। इवन 6 महीने की बात करें तो नॉर्मली मार्केट गिरावट के साथ साथ शेयर के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला, बट एक साल पे देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट। और अगर हम बात करें 5 साल में 400% के ऊपर रिटर्न कमा के दिया अपने शेयर होल्डर को। कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। इवन अगर हम बात करें मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी 4,500 करोड़ के आसपास, पी रेशियो की बात करें तो करीबन 103 के आसपास इसका पी रेशियो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है, बस एक बहुत शानदार अपडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। आपके पास अगर शेयर है यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कंटिन्यू कर सकते हो, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग अभी आप थोड़ा सा वेट कर जाइए, क्योंकि अभी मार्केट भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है। उसके साथ साथ लास्ट एक महीने पे शेयर काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, जिस वजह से पहले शेयर को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद अगर ठीक लगे तो इन फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे इस पर नेक्स्ट अपडेट है आईटी सेक्टर का, एक बहुत शानदार कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि लास्ट डे शेयर अपना 52 वीक्स लो भी टच किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट डे यानी मंडे के दिन कल अगर आपने बाई किया एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर, तो उसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा, क्योंकि वो उसका लास्ट चांस है। जैसे कि आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था Q1 का, साथ में कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, जिसका एक डेट रखा था 19th of July 2022, यानी परसों ट्यूसडे के दिन, मंगलवार। तो आप अगर कल मंडे के दिन अगर बाई करते हो एचसीएल टेक का शेयर, तो डेफिनेटली आपको 10 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि आपको बाई करना सही रहेगा, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा आप छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आप पर्सनल मेरे प्रेफरेंस लोगे तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूँगा या तो TCS या तो इन्फोसिस जैसे बड़े क्वालिटी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। नो डाउट HCL बोलिए, विप्रो बोलिए, ये सारे भी अच्छी कंपनी है, बट आज की डेट पे ये सारे शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे गिरावट हो चुका है, जिस वजह से मैं आपको बोलूँगा अभी आप थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अदरवाइज़ कंपनी में कोई खराबी नहीं है फिलहाल अगर हम बात करें, जो कि बेसिकली हमने देखा US के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, लगातार रेपो रेट हाइक हो रहा है, जिस वजह से ये सारे जो IT सेक्टर के अंदर लास्ट कुछ महीनों से काफ़ी दबाव देखने को मिला। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि IT सेक्टर के अंदर, तो जिस वजह से मैं आपको हमेशा क्वालिटी शेयर के अंदर ही फोकस करने की राय दे रहा हूँ। नॉट आउट ये सारे भी अच्छी कंपनी है, तो आपके पास अगर शेयर है तो आराम से होल्ड कर सकते हो, सेल करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। मंडे के लिए HDFC बैंक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था सैटरडे के दिन कंपनी का मतलब बैंक का रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट मेरे ख्याल से ठीक ठाक या डिसेंट रिजल्ट आप उसको बोल सकते हो, बट यहाँ पे एक IPO से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लाइव मिंट की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। HDFC बैंक टू कंसिडर IPO फॉर HDFC सिक्योरिटीज एंड HDB फाइनेंशियल सर्विस आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर मतलब दोस्तों याद होगा आपको कुछ महीने पहले की बात है, HDFC बैंक और HDFC के बीच में एक मर्जर होने का प्लान किया था। तो वो मर्जर हो जाने के बाद यहाँ पे HDFC ग्रुप का ही दो और बेहतरीन कंपनी, दोनों ही NBFC है, HDFC सिक्योरिटीज और HDB फाइनेंशियल, ये दोनों कंपनी का IPO मार्केट के ऊपर लॉन्च हो सकता है, जिसका सीधा सीधा आप यहाँ पे बोल सकते हो कनेक्शन है HDFC का जो मर्जर होगा उसके ऊपर। और उसके साथ साथ जो कि आज की डेट में हमने देखा था कि कंपनी का जो 28th एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, उसके थ्रू ही दोस्तों हमें पता चला कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक तो आपको मर्जर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ दो HDFC सिक्योरिटीज़ और उसके साथ साथ HDB फाइनेंशियल सर्विस, ये दो IPO भी आपको लॉन्च होता हुआ नज़र आ सकते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको फटाफट देता जाऊँगा। तो सारे व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता जाए टाइम टू टाइम। तो अब बात करेंगे क्या HDFC बैंक के अंदर क्या रिजल्ट का मतलब लास्ट डे जो रिजल्ट आउट हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल से देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बस आपको पहले से स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर गिरावट हुआ उसके लिए भी, अगर तेजी हुआ उसके लिए भी। देखिए अगर सिंपल बात है, अगर HDFC बैंक के अंदर तेजी हुआ तो उस केस में ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है
1400 रुपये का लेवल, वो ब्रेक करने के बाद ही आप सोचना इन्वेस्ट करने के लिए। बट ऐसा ना हो कि अगर गिरावट होता है तो मेरे ख्याल से इस बार बहुत ज़्यादा डिप करेक्शन नहीं होगा, नीचे मैक्स टू मैक्स 1300 तक जा सकता है। तो अगर आपको 1300 रुपये के आसपास मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाई कर सकते हो, बट हाँ खुद प्रॉपर एनालिस करने के बाद ही बाई करना। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब करेक्शन हुआ था, बार बार हमने देखा 1290 से लेकर 1300 के बीच में इसको हर बार सपोर्ट मिला था इस डिप्स बैंक को। तो जिस वजह से यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए। विप्रो और इन्फोसिस के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है विप्रो और इन्फोसिस ये दो जो बड़े कंपनी आईटी सेक्टर का, एक तो इंडियन मार्केट को वो लिस्टेड है, ठीक उसके साथ ही साथ जो कि NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड है, जो कि लास्ट डे हमने देखा था एक जो कि US मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी था, डाउ जोन्स मोर देन 2% के ऊपर क्लोजिंग गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें नैसडैक का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर हमें तेज़ी देखने को मिला था। तो जिस वजह से हमने देखा लास्ट डे फ्राइडे के दिन विप्रो का जो ADR है, मतलब विप्रो जब मार्केट में लिस्ट होता है मतलब US मार्केट के अंदर, तो उसे विप्रो ADR कहा जाता है। तो विप्रो ADR लिमिटेड देखिए लास्ट डे करीबन 1% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ देखिए इन्फोसिस लिमिटेड ADR भी ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से कल ये दोनों ही शेयर के अंदर शुरुआत के समय पे थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब क्लोजिंग कैसे देखा दोस्तों वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिस वजह से यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देखिए विप्रो के अंदर अभी बाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विप्रो हमने लास्ट डे भी देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया था, इवन ब्रेक करके काफ़ी नीचे तक आया था। जिस वजह से यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन आएगा कि विप्रो के अंदर आप इग्नोर कर सकते हो जब तक ना शेयर 450 का लेवल ब्रेक करके ऊपर आ जाए, क्योंकि हमने देखा था इसके पहले 400 के लेवल पे काफ़ी सपोर्ट मिला था जो कि लास्ट डे ये लेवल ब्रेक किया था। तो 450 का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो जब तक ना ऊपर ब्रेक करके आ जाए तब तक आप यहाँ पे वेट कीजिए। बाकी इन्फोसिस की अगर हम बात करें, जो कि आप देख सकते हो लास्ट डे इन्फोसिस के अंदर भी काफ़ी तेज़ी था, इवन इन्फोसिस लिमिटेड ADR के अंदर भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिला। तो इन्फोसिस के अंदर आप यहाँ पे बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी से बाई कर सकते हो, बट हम खुद प्रॉपर एनालाइज करना उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों मेरे लिस्ट में लास्ट एंड फाइनल अपडेट है बिरला सॉफ्टवेयर लिमिटेड, आईटी सेक्टर का एक बहुत छोटा बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। शुरू करेंगे वीडियो, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो बिरला सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहा था कि सर कुछ बताइए इसके ऊपर, क्योंकि शेयर हमने देखा था 5 दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया, मतलब 5 दिन बोलना गलत होगा, सिर्फ 2 दिन के भीतर आप देखिए शेयर करीबन 10% के आसपास क्रैश हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ बहुत खास या बोल सकते हो कि कोई इंटरनल इशू या न्यूज़ नहीं है, तो बेसिकली कंपनी का रिजल्ट बहुत जल्दी आउट होने जा रहा है, तो जिस वजह से प्राइस के अंदर एक एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला। क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट 1 महीने आप पकड़ लीजिए शेयर के अंदर एकदम से कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं था, जो कि पहले हमने देखा था गिरावट हुआ था उसके आसपास देखिए काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका था। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें एडजस्टमेंट प्राइस के अंदर देखने को मिला है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बट फिलहाल अगर हम बात करें कंपनी का रिटर्न का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, 1 साल में काफ़ी गिरावट हुआ है बट 5 साल में काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न दिया, इवन मैक्सिमम रिटर्न भी कंपनी का ठीक ठाक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है, बट अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर शेयर है तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, गलती से भी सेल मत करना, वो भी लॉस में तो गलती से सेल मत करना, क्योंकि लॉस में सेल करने वाला शेयर ये है नहीं। तो दोस्तों वीडियो के अभी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।